मैं कर्ल्स करके मैसी करूंगी। आप अगर चाहे आपको प्लेन देना है तो आप विदाउट कर्ल्स कर सकते हैं। सेम बीज, सेम टेक्निक। चलिए सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन कितना लेना है? थ्री टू फोर, फोर टू फाइव आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे करेंगे बैक कूमिंग क्राउन एरिया पे। यहाँ पे एक लेयर मैंने पैकोमिंग करके बाउंस कर दिया है, उसके बाद करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में से वन बाय वन लेयर लेके पैकोमिंग। यहाँ पे मुझे कर्ल्स भी करना है फिनिशिंग लेयर में, राइट? तो फिनिशिंग लेयर में कर्ल्स करना है, इसलिए मैं बेस का हाइट ज्यादा नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? का लेयर है मेरा 2 इंच का, 2 इंच की ब्रॉडनेस में आपको फिनिशिंग लेयर रखना है। बेस यहाँ पे डन है। हॉरिजॉन्टल पिन बेस करना है बेस को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे बेस डन है, इसके बाद टेम्पल सेक्शन है दोनों साइड का। पहले हमने बेस बना लिया है, बेस के बाद ये ब्रॉड सेक्शन होगा सेंटर से नीचे आते आते नेरो। तो ये नेरो पार्ट का जो सेक्शन बचा है वो सेक्शन को भी हम यहाँ पे कर देंगे फिक्स, क्योंकि ये इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप वैक्यूमिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एंड करना चाहे तो लाइट वैक्यूमिंग करना है क्योंकि इसके ऊपर फिर कर्ल्स भी आने वाले हैं। लार्ज चले। अब ये है मेरा फिनिशिंग लेयर। फिनिशिंग लेयर में कर्ल्स करने के बाद हम बेस बैक साइड का बेस बनाएंगे। दो बेस बनेगा इसमें, क्या? एक तो बुफोन का बेस और दूसरा फ्रेंच रोल का बेस, ठीक है? तो एक बेस बनाने के बाद हम करेंगे सेकंड बेस। फर्स्ट हम कर्ल्स करेंगे फिनिशिंग लेयर में, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है आपको इक्वली पूरे लेयर को, एंड उसको करेंगे अगेन
दो पार्ट्स में डिवाइड, आगे पीछे, है ना। बॉक्स एरिया 3 करने हैं, 1, 2 एंड 3 इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद आगे पीछे डिवाइड कर देंगे, क्यों, अच्छे से कर्ल्स कर सके इसलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पतले पतले सेक्शन लेते जाएंगे और कर्ल्स करते जाएंगे इन और आउट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक फोम देना है, मेसी फोम देना है, इसलिए डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहेगा। बैठा, जो स्टार्टिंग है वो ऑलवेज आपका इन होना चाहिए, ऐसे ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आउट करोगे तो यहाँ पे आपका जो रूट है वो इन साइड चला जाएगा। जैसे कि कल हमने देखा था कि आपको बाउंस चाहिए तो इन डायरेक्शन करनी है, वॉल्यूम को रिड्यूस करना है तो आउट डायरेक्शन करनी है ना। तो हमें अभी क्या चाहिए, बाउंस, तो क्या कर रहे हैं, इन डायरेक्शन। सॉफ्ट कर्ल्स करेंगे, जस्ट एक टेक्सचर चाहिए, है ना, ना तो पुलिंग चाहिए ना तो ज्यादा मैसी फोम चाहिए, सॉफ्ट लुक देना है, इसलिए हम कर्ल्स कर रहे हैं, फिर कर्ल्स को करेंगे ओपन। डायरेक्शन है इन, पर एक इन से राइट, एक इन से लेफ्ट। अच्छा देखिए यहाँ पे भी सेम इस तरह से वर्टिकल सेक्शन करते जाएंगे और कर्ल्स। चलिए एक लेयर हो गया है, अब दूसरा सेम हाफ ऑफ सेक्शन डिवाइड करते जाएंगे एंड कर्ल्स करते जाएंगे। चले अब रही बात ये कर्ल्स को सेट करने,
दो स्टेप में हमने कर्ल्स किए हैं। पीछे का जो स्टेप है उसमें कर्ल्स को शाइन स्प्रे करके ओपन करेंगे, जस्ट फिंगर से आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इस तरह से लूज फिक्स कर देना है यू पिन की हेल्प। जो शेप आ रहा है, जो टेक्सचर आ रहा है, आने दो, ठीक है, रफ टेक्सचर देना है। क्लियर हो रहा है कैसे आपको टेक्सचर देना है? ये टेक्सचर दे रहे हैं हम, है ना। अगर आप इसको खींच लोगे तो क्या होगा, ये कर्ल्स पूरा फ्लैट हो जाएगा। ऐसे कर दोगे तो आपका दिखेगा ही नहीं कि आपने कर्ल्स किया था। टेक्सचर देना है। टेक्सचर क्या होता है, कर्ल्स की जो डायरेक्शन आ रही है वही डायरेक्शन में आपको पहले कोम करके, फिंगर कोम करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जस्ट पुश करना है, नॉर्मल सा, ऐसे पुश नहीं करना है कि गेप आ जाए, है ना, जस्ट आपका बेस के साथ अटैच रहे उस तरह से। ऐसे टेक्सचर देके नीचे कर्ल्स करके आप पोनी भी रख सकते हैं, सेमी ओपन लुक भी दे सकते हैं। सिल्क हेयरस्टाइल के लिए निर्विल का जेल मैंने दिखाया था, वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलोवेरा जेल भी यूज। चलो फ्रंट के टेंपल सेक्शन को भी हम फिक्स कर देंगे, राइट, तो इतने सारे हेयर की नीड नहीं है। यहाँ पे हम रैंडम सेक्शन लेते जाएंगे, इस तरह से स्लांट सेक्शन इन डायरेक्शन में कर्ल्स करते जाएंगे हार्ड स्प्रे करके।
आप पूछ रहे थे ना 10 mm के कर्ल्स ऐसे करनी है। साइज चेंज हो जाएगा, कर्ल्स की सेक्शन, कर्ल्स की डायरेक्शन सब सेम रहेगा। हेयर एंड स्किन दोनों का सेम ही आता है। Thank you.
चलो यहाँ पे करेंगे हम सारे हेयर को, मतलब डिवाइड करना है आपको फिनिशिंग लेयर। फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट साइड फ्रेंच बनाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड से एक सेक्शन निकाल देना है, अगर आप राइट साइड करना चाहते हैं तो राइट साइड से एक सेक्शन निकालना है, ठीक है। और वो सेक्शन आपका मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लेना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मिनिमम सेक्शन आपको लेना है और बाकी के सारे हेयर का फ्रेंच नॉट्स बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हेयर की लेंथ ज़्यादा है, ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो मैं बैककॉम्बिंग नहीं करूँगी। अगर मेरी शॉर्ट लेंथ होती तो आपको यहाँ पे बैककॉम्बिंग करना होता और बैककॉम्बिंग करने के बाद आपको यहाँ पे वर्टिकल फ्रेंच बन बनाना होता, राइट। आज समझ में नहीं, शॉर्ट हेयर है अगर तो बैककॉम्बिंग करना है, ये लॉन्ग है इसलिए मैं बैककॉम्बिंग नहीं कर रही, ठीक है। बना रहे स्टफिंग, अभी हम स्टफिंग बना रहे हैं, तो ऑलरेडी लेंथ है, अगर इसमें मैं बैककॉम्बिंग करूँ तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और फ्रेंच रोल हमेशा मीडियम साइज का होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सो ये सारे हेयर को मैं फिक्स करूँगी। अब आपको करना क्या है, मुझे लेफ्ट से इस साइड चाहिए, तो लेफ्ट साइड से चाहिए तो ये राइट साइड के जो हेयर है उसको आपको पहले क्लीन करना होगा। क्लीन करके आपको प्लेसमेंट करना है ऐसे करके, वर्टिकल पिन बेस बनाएंगे। अच्छा, अब ये सारे हेयर को आपको करना है फिक्स। अब फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, आउटसाइड से इनसाइड रोल करते जाएंगे, वर्टिकल रोल। रोल करने के बाद आपको यू पिन से इनसाइड से लॉक कर देना है, लार्ज यू पिन से, है ना, ये वाली, ताकि अंदर से अच्छे से ग्रिप मिल जाए। चले अब इस तरह से फिक्स करने के बाद नेट से प्रॉपर शेप देंगे, क्लियर। फिनिशिंग आ गया, कर्ल्स किया तो मैं इसमें भी कर्ल्स करूंगी। अगर आपको कर्ल्स नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसके ऊपर प्लेन, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे कर्ल्स, अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्शन करूंगी अनइवन, कोई कर्ल्स राइट करूंगी, कोई लेफ्ट करूंगी, क्योंकि ये सारे कर्ल्स को फिक्स कौन सी डायरेक्शन में करना है, एक ही डायरेक्शन में। अगर मैंने सेम डायरेक्शन फॉलो की तो यहाँ पे एक सेम वेव ही आएगा। देखिए ये सेम हेयर स्टाइल को आप तीन डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्लेन बना दो, ये भी प्लेन एक डिजाइन, दूसरा यहाँ पे भी सॉफ्ट कूलिंग कर दो, यहाँ पे भी सॉफ्ट कूलिंग कर दो, ये सेक्शन आपने रखा, पतली पतली लाइंस कर दो, तीसरा कर्ल्स जैसे अभी मैं कर रही हूँ। एक हेयर स्टाइल से आप कितनी बना सकते हैं, बेस सेम रहेगा तो हर हेयर स्टाइल आप सेम एक में से तीन से चार तो आराम से बना सकते हैं, टेक्सचर चेंज कर दो सिर्फ।
लास्ट कर्व्स। इसमें कि आप ये सेम चीज अगर फ्रंट बुफोन में देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्राउन बुफोन दिया है, अगर आप फ्रंट बुफोन देना चाहते हैं तो आपको फ्रंट से 4 to 5 inch सेक्शन लेना है। एंड फर्स्ट आपको बेस बनाना है, बेस के बाद जैसे यहाँ पे मैंने 2 inch का फिनिशिंग लेयर रखा था, वैसे ही आपको फिनिशिंग लेयर रखना है 2 inch का। एंड फिनिशिंग लेयर रखने के बाद बेस के ऊपर कर्ल्स को फिक्स कर देना है। चले अब हम करेंगे यहाँ पे चले यहाँ तक क्लियर हुआ गाइज आपको? हाँ ओके। अब देखिए अगर शॉर्ट हेयर होगा तो आपके हेयर यहाँ तक पहुंचते कंप्लीट हो जाएंगे, पर लॉन्ग होगा तो आपको इसको नीचे स्टफिंग के नीचे फिक्स करना होगा। पर अगर लॉन्ग है तो फिर आप ये हेयर का यूज करके यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चोटी करके फ्लावर्स बना सकते हैं तो भी आपका डेकोरेशन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कोन कर सकते हैं जो अभी हमने फर्स्ट स्टाइल में किया, राइट आप 1 2 3 वैसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ये प्लेन लुक दिया है, बिल्कुल प्लेन लुक दिया है, तो ये जो हेयर बचते हैं उसके आप कर्ल्स करके यहाँ पे मेसी भी डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ट्विस्ट करके ऐसे डेकोरेशन कर दोगे तो भी अच्छा हो जाएगा। ये सारा प्लेन लुक है और यहाँ पे आपका कर्ल्स का ट्विस्टिंग हो जाएगा, तो आपको ब्रोच यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये सारे हेयर को फिक्स कर दूंगी नीचे और सीधा मैं यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने जो बनाए हुए हैं वो एड ऑन करूंगी, ठीक है, डेकोरेशन के लिए।
अच्छा देखिए ये जो एलिमेंट्स है वो मैंने बनाए हुए हैं, मतलब हमने बनाए हुए हैं एलिमेंट्स, तो आप इस तरह से एलिमेंट यहाँ पे बनाकर सीधा डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। ऊपर करना चाहे, साइड में करना चाहे, कहीं पे भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं इस तरह से। और इस टाइप के एलिमेंट्स की बहुत सारी अलग अलग डिजाइंस है, आपको अभी मैं दिखा दूंगी कितने टाइप्स की डिजाइन है। पांच चले, बाकी की जो एलिमेंट्स की डिजाइन है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, तब तक हम इसको डन करते हैं। सी आप लोग बोल रहे थे ना कि इजी हॉस्टल लाइक क्रिएटिव करना है और टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप उस टाइम पे इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। और जब भी आपके क्लाइंट के पास टाइम नहीं है और आपको क्रिएटिव करके देना है, तो आप सीधा टाइम पे सिंपल क्रिएशन करके उसके ऊपर सीधा लगा के दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर रहे हैं साइड में।
चले थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं इसमें। चले सो यहाँ पे हम करते हैं ग्लिटर डेकोरेशन।